अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन ऑन योर बुक पेज नंबर 79। सो व्हाट इज रेशियो? अ रेशियो इज अ रिलेशन विच वन क्वांटिटी बेयर्स टू अनदर क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड विद रिगार्ड टू देयर मैग्नीट्यूड्स। रेशियो क्या होता है? हमारे पास दो क्वांटिटीज जो कि सेम काइंड की होती हैं, उनके दरमियान एक कंपेरिजन या रिलेशन होता है उनके मैग्नीट्यूड्स के दरमियान। Comparison is made by considering what multiple or part of the first quantity the second one is. If the ratio of two quantities is 5:6, it means that the magnitude of the two quantities have been compared. If one of the quantity has magnitude 5, then the other has magnitude 6. वो एक example दे रहे हैं कि अगर हमारे पास दो quantities हैं, उनके magnitudes हैं 5 और 6, तो हमारे पास अगर लिखा हुआ है हमारे पास 5:6, मतलब first quantity का magnitude हो गया 5 और second quantity का magnitude हो गया 6. A ratio is an abstract number given by a fraction. The numerator denotes the magnitude of the first quantity or term, and the denominator gives the magnitude of the second quantity or term. If the monthly income of Mr. Arsalan and Mr. Asad are ₹40,000 and ₹50,000 respectively, it means that the ratio of their incomes is 40,000 is to 50,000, such that 4:5, not ₹4:5, this is expressed as the ratio 4:5. अब वो क्या बात कह रहे हैं हमारे पास कि हमारे पास उन्होंने सैलरी का एक कंपैरिजन लिया कि अगर हम उसको फ्रैक्शन के अंदर लिखेंगे तो हमारे पास जो न्यूमरेटर होगा वो हमारे पास होगी फर्स्ट वैल्यू, और हमारे पास जो डिनोमिनेटर होगा वो हमारे पास होगी सेकंड वैल्यू। तो जी अगर हम लिखते हैं 40,000 upon 50,000, तो मतलब 40,000, फिर रेशो का साइन, उसके बाद 50,000 लिखा हुआ आएगा हमारे पास, ठीक है। और जब उन्होंने इसको रिड्यूस करके लिखा तो किस तरह से एक्सप्रेस किया उन्होंने 4:5, उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं था कि उन्होंने इसको ₹4 और ₹5 कर दिया, उन्होंने इसको फ्रैक्शन के अंदर सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर करके 4:5 लिखा। कंपेयरिंग रेशियोज ऑफ कॉमन टर्म्स, कंसिडर टू बॉक्सेज, वन वेइंग 3 kg एंड द सेकेंड वेइंग 4 kg। Weight of these boxes can be compared only if the two weights are given in the same unit. The same unit is ignored from both the numerator and the denominator. Therefore, the ratio of their weights is 3 kg and 4 kg is 3:4. A ratio has no unit. अब वो एक और मज़ीद क्या बात बता रहे हैं, जब हम दो कॉमन टर्म्स को कंपेयर कर रहे होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था कि न्यूमरेटर जो है वो फर्स्ट टर्म होती है और डिनोमिनेटर जो है वो सेकेंड टर्म होती है, तो अब वो क्या कह रहे हैं कि मेरे पास दो बॉक्सेस थे, उनके टू वेट, मतलब वो कंपेयर इसी तरह एक शर्त पे हो सकते हैं कि उनकी जो यूनिट्स हैं वो सेम है, यानी दोनों जो है वो केजीज़ के अंदर हैं, तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं रेशो के अंदर। तो एक बात और बताई कि रेशो हैज़ नो यूनिट, मतलब अगर हम लिखेंगे तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, हम 3 kg is to 4 kg नहीं लिखेंगे, हम 3:4 लिखेंगे सिर्फ। अब चलते हैं कंपेयरिंग रेशोज ऑफ डिफरेंट टर्म्स। द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी डिफाइंड, द रेशियो ऑफ टू डिसिमिलर क्वांटिटीज इज मीनिंगलेस। फॉर एग्जांपल, वन कैन नॉट कंपेयर द वेट ऑफ वन बॉक्स विद द लेंथ और हाइट ऑफ अनदर। वो बात क्या कह रहे हैं कि अब रेशियो हम दो सिमिलर क्वांटिटीज का डिफाइन कर सकते हैं या उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन हम दो डिसिमिलर क्वांटिटीज को कभी भी रेशियो के अंदर नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक जगह वेट की बात करें तो हम दूसरी जगह लेंथ की बात नहीं कर सकते, हम दोनों वेट्स की बात एक साथ कर सकते हैं, हम दोनों लेंथ्स की बात एक साथ कर सकते हैं, हम दोनों हाइट्स की बात एक साथ कर सकते हैं। इफ़ द क्वांटिटीज टू बी कंपेयर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स, दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन अ रेशियो। इट इज़ एसेंशियल टू एक्सप्रेस दैम इन द सेम यूनिट टू फाइंड द रेशियो। जैसे कि हमें पहले से पता है कि रेशियो के अंदर रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, तो हम जो भी मैग्नीट्यूड इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हम उनको सेम यूनिट्स के अंदर ले रहे हैं। अगर वो सेम यूनिट्स के अंदर नहीं है तो हम उसको रेशियो के अंदर एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कंसिडर टू स्टिक्स ऑफ लेंथ 2 meter and 40 centimeter रिस्पेक्टिवली, द लेंथ्स नीड टू बी एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट। जैसे मेरे पास एक मीटर के अंदर और एक सेंटीमीटर में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो दोनों को मीटर के अंदर कर लें या तो फिर दोनों को सेंटीमीटर में कर लें। तो उन्होंने क्या किया, दोनों को सेंटीमीटर में करा। 2 meter को उन्होंने मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो ये हो गया 200 centimeter and 400 centimeter रिस्पेक्टिवली टू बी एबल टू फाइंड द रेशो। दोनों को सेम यूनिट्स में कर लिया, अब ये दोनों जो है वो रेशो के अंदर एक्सप्रेस हो सकते हैं। द रेशो ऑफ देयर लेंथ इज 200:40, i.e. 5:1। रेशो क्या बताया उन्होंने उसको, जब उन्होंने सेम यूनिट्स कर ली दोनों की, 200:40, जब उसको उन्होंने रिड्यूस किया 40 के टेबल से, जब डिडक्ट किया तो आंसर हो गया 5:1। अब वो क्या कह रहे हैं, ऑफ द टू टर्म्स फॉर्मिंग अ रेशो, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द एंटीसीडेंट एंड द सेकेंड वन द कॉन्सिक्वेंट। जो हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट, और जो सेकेंड टर्म होती है उसको हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। अब वो कह रहे हैं कि हम रेशोज़ को सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो देखते हैं।
A ratio is expressed as simply as possible. Each term of the ratio is divided by highest common factor HCF. अब जैसे हमने मैंने बात की थी ना कि इन्होंने यहाँ पे इसको डिवाइड करके जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया, तो वो कह रहे हैं हम एक रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला उन्होंने तरीका बताया है कि अगर हमारे पास रेशो लिखा हुआ है तो हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म यानी रिड्यूस करने के लिए हम उन दोनों के HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि उन दोनों को डिवाइड ईजिली कैंसिल कर दे, उससे हम उन दोनों को कैंसिल कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया, एग्जाम्पल ली उन्होंने 12:20। अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 4 है। तो उन्होंने जब इन दोनों को डिवाइड किया 4 से तो ये हो गया 4 3 12 और 4 5 20, तो हमारे पास आंसर होगा 3:5। ये देखिए तो हम इसको इस तरह से भी क्या लिखा है, 12:20 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 3:5 और 12:20 प्रोपोर्शन 3:5। ठीक है, 12 का रिलेशन हो गया 3 से, ये एंटीसीडेंट है हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म होती है हमारे पास कॉन्सिक्वेंट, और 12 का रिलेशन हो गया 5 से, तो हमारे पास एक सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास ये हो गई, डिवाइड कराने पर 4 से। अब मज़ीद देखते हैं और किस तरह से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिंपली लिखा हुआ है 1/3:2/5। अब हमारे पास देख सकते हैं हमारे पास अब दो फ्रैक्शंस हैं, हम इसको कैसे रेशो इस तरह की रेशो के फॉर्म में लिख सकते हैं। उन्होंने क्या किया, इन दिस केस बोथ द टर्म्स ऑफ द रेशियो आर फ्रैक्शंस, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस देम एज अ सिंपल रेशियो द टर्म्स आर मल्टीप्लाइड बाय द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स IE 15। उन्होंने आप क्या बात बोली, अगर हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर कोई रेशियो लिखी हुआ है, हमें उसको रेशियो के अंदर एक्सप्रेस करना है, तो हम उसको मल्टीप्लाई करा देंगे उसके डिनोमिनेटर्स के एलसीएम के साथ। फॉर सपोज हमारे पास 3 और 5 है, जब हमने 3 और 5 का एलसीएम लिया तो उसका आंसर आया 15। जब हमने इन दोनों रेशियोज को 15 से मल्टीप्लाई कराया यानी 1/3:15 और रेशियो 2/5:15, हमारे पास आंसर हो गया सिंपली 3 1 3 3 5 15 और 5 1 5 5 3 15, रेशियो हो गया हमारे पास यहाँ पे तो 5 आंसर हो गया, 2 3 6 आंसर हो गया हमारे पास 5:6। फॉर सपोज अगर हमारे पास रेशियो लिखा हुआ है तो उसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करा देते हैं, और अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन के अंदर लिखा हुआ है तो हम उसको रेशियो के अंदर सिंपली एक्सप्रेस करने के लिए उसके डिनोमिनेटर्स के एलसीएम से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हमारे पास सबसे पहले तो यूनिट्स ही डिफरेंट है, 2 gross 6 dozen, तो हम वो क्या कह रहे हैं, द गिवन रेशियो इज 2 gross 6 dozen, कन्वर्ट द डिफरेंट यूनिट्स इन टू द सेम यूनिट आइदर ग्रॉस और डजन। तो उन्होंने क्या किया, डजन को जो है ग्रॉस को डजन में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 किया, क्योंकि 1 gross = 12 dozen। अब जो उन्होंने इसको किया तो हमारे पास क्या रेशो आया, 24:6। अब 24:6 को उन्होंने मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए उसके एच सी एफ से डिवाइड कर दिया, इन दोनों का एच सी एफ हमारे पास बना था 6। ठीक है, जब हमने उसको 6 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर हुआ 4:1। अब चलते हैं इक्विवेलेंट रेशोज। अ रेशो रिमेंस अनऑल्टर्ड व्हेन बोथ द टर्म्स आर मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। टू रेशोज आर इक्विवेलेंट इफ दे गिव द सेम रिजल्ट एक्सप्रेस इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। अब वो क्या कह रहे हैं, हमारे पास एक रेशो है जब हमने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किया तो उसका आंसर, और जो हमारे पास दूसरा रेशो है उसका आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म पे करने के बाद सेम आया, तो हमारे पास क्या कहलाती है, इक्विवेलेंट रेशोज, जो कि मल्टीप्लाई होने पर किसी भी नंबर से और जब हम उसको सिंपलीफाई करें तो वो हमारे पास सेम ही आंसर देती हैं। एग्जाम्पल हमारे पास आर 20:30 and 24:36 इक्विवेलेंट रेशोज सॉल्यूशन, एक्सप्रेस बोथ रेशोज इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। बोथ को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर करने के लिए पहले इसका एचसीएफ से इसके डिवाइड कराएंगे। जब हमने इसका एचसीएफ से डिवाइड कराया, फर्स्ट वाले का था 5, आंसर आया 4:6। सेकेंड वाले का रेशो था एचसीएफ था 6, डिवाइड कराने पर आंसर वही सेम आया 4:6। दैट मीन्स ये दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंट रेशोज, 20:30 and 24:36 आर इक्विवेलेंट रेशोज। अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 6A। क्वेश्चन 1 इज फाइंड द रेशो ऑफ। अब हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसके 10th हैं अप्रॉक्स, तो 3 मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ, बाकी 3 आप होमवर्क में कर लीजिएगा। फर्स्ट वन इज सिंप्लीफाई करना है इनको, 13 and 39। एस सी एफ लेने पर इनका कॉमन 13 ही आएगा, जब हम इसको 13 से रिड्यूस करेंगे तो जाता है 13 1 13 and, पहले मैं आप लोगों को सिंपली करके दिखा देती हूँ, 13:39 है ना, 13 1 13 and 13 3 39, आंसर हो गया 1:3। अब आपके पास हम आते हैं पार्ट 6-4 पर, सिक्स पॉइंट फोर एंड एट।
अब चूंकि डेसिमल में, तो हम पहले हम इसका डेसिमल शिफ्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 कराएंगे बोथ साइड्स पर, तो ये हो जाएगा 64:80। अब हम इसको देखेंगे, पहले हम रिड्यूस करना स्टार्ट करते हैं इसको 2 से, इवन है। 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8 एंड 0, 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4 एंड 0, 2 8 16 एंड 2 10 20, 2 4 8, 2 5 10। ये हो गया हमारे पास 4:5। आप इसको सिंपली जो है इसका रेशो लेते 64 और 80 का, आप प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू HCF निकालते तो भी आप इसको कर सकते थे, मैंने आप लोगों को सिंपल तरीके से करना दिखा दिया। अब चलते हैं पार्ट 5 पर। 36 kgs एंड 80 kgs। अब आप इसको लिखेंगे, यूनिट सेम है, 36:80। 2 से स्टार्ट करेंगे रिड्यूस करना, 2 1 2, 2 8 16, 2 4 8 एंड 0, 2 9 18, 2 2 4 एंड 0। आंसर हो गया 9:20। अब पार्ट 6, 8 एंड 10th आपका होमवर्क है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Samina spent 3/4 of her pocket money to buy chocolates and the rest to purchase chewing gum. Find the ratio of the amount spent on chocolates to the spent on chewing gum. अब वो कह रहे हैं कि उसने स्पेंड करी है चॉकलेट पर कितनी, 3/4, यानी कि 3/4, और रेस्ट ऑफ दी उसने स्पेंड करी है अपनी chewing gum पे, मतलब 1/4 बचा, एक हिस्सा ही बचा होगा ना। दोनों का एलसीएम लेंगे 4 ही आएगा, हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं दोनों फ्रैक्शंस को। आंसर हो गया हमारे पास 3:1। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है। अब इसको प्रॉपर लिखना है, रेशियो ऑफ चॉकलेट्स एंड रेशियो ऑफ च्युइंग गम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कह रहे हैं, अहमद अर्न्स रुपीज़ 5,400 इन अ मंथ एंड स्पेंड 4,500 रुपीज़। फाइंड द रेशियो ऑफ, फर्स्ट वन इज़ हिज इनकम टू हिज एक्सपेंडिचर। इनकम इसकी इतनी थी 5,400 और एक्सपेंडिचर इसका कितना है 4,500। तो इसका पहले रेशियो लिखेंगे हम, पार्ट 1 का लिख दिया 5,400 टू रेशियो 4,500। 0 से 0 हम ऑलरेडी कैंसिल कर देते हैं, अब बचा 54 and 45। इसको हम 9 के टेबल से भी कैंसिल कर सकते हैं, 9 5 54 एंड 9 4, नाइन फाइव ज़ा 45 एंड 9 6 ज़ा 54। आंसर हो गया 6:5 पार्ट 1 का। पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 कह रहा है हमें करना है हिज इनकम टू हिज सेविंग्स। सेविंग्स हमारी कितनी होगी, हम पहले माइनस करके चेक करते हैं, 5,400 माइनस 4,500। आंसर होगा हमारे पास 14 माइनस 5 इज़ 900। तो मतलब इनकम कितनी है उसकी, 5,400 इज़ 2,900। सिंपल करेंगे, 9 1 ज़ा 9 और 9 6 ज़ा, आंसर हो जाएगा हमारे पास 6:1। थर्ड पे है हमारे पास एक्सपेंडिचर टू हिज सेविंग। एक्सपेंडिचर कितना है 4,500 और सेविंग कितनी है हमारे पास 900। 4,500 इज़ टू 900। सिंपली वही सॉल्यूशन होगा, 9 1 ज़ा 9 और 9 5 ज़ा 45। आंसर हो गया 5:1। ठीक है, तो ये आपके मैंने दो क्वेश्चंस आपको यहीं पे सॉल्व करवा दिए। एक क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है और क्वेश्चन 1 के अंदर आपका पार्ट 6, 8 एंड 10th आपका होमवर्क है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।